Good morning students, welcome to our DSS online classes. We are studying our chapter 6, Foods We Eat. So we have to read remaining pages, which starts with the page 42. So let us read and understand. Find out where each of these things is eaten more. आपको पता करना है कि ये जो सारी चीज़ें हैं like rice, wheat, barley सबसे ज़्यादा कहाँ खाई जाती हैं. We not only eat different things, but we also use the same things to prepare a variety of food items. हम लोग अलग अलग चीज़ें ही नहीं खाते हैं बल्कि एक ही चीज़ से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें खाते हैं. Find out and write what all can be prepared from rice and wheat. चलिए पता करते हैं राइस और वीट से क्या क्या चीज़ें बनती हैं. You have to fill this table. Like from wheat we cook chapati, halwa. So again like we eat puri which is made from wheat. Puri क्या है? Wheat से बनती है, गेहूँ से बनती है. पराठा, आपको ये सारी चीज़ें आपको बुक में फिल करनी है. एंड ऑल्सो बिस्किट्स. बिस्किट्स एंड ऑल्सो ब्रेड विच ऑल्सो मेड फ्रॉम वीट एंड फ्रॉम राइस वी एट डोसा, पुलाव एंड ऑल्सो बिरयानी. बिरयानी ऑफ फ्राइड राइस. फ्राइड राइस एंड ऑल्सो खीर. वी मेक खीर फ्रॉम राइस. हाउ मैनी थिंग्स डिड यू राइट? हाउ मैनी थिंग्स डिड यू राइट? सिमिलरली डिफरेंट पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट इटीसी आर ईटन इन डिफरेंट प्लेसेस. बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग जगहों पर खाई जाती हैं, जैसे अलग अलग तरीके की दालें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट. पीपल हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स. लोगों के अलग अलग तरीके के पसंद और नापसंद होते हैं. लेट अस टॉक अबाउट इट. चलिए उसके बारे में बातें करते हैं. राइट द नेम्स ऑफ फूड आइटम्स यू लाइक टू ईट एंड थ्री डेट यू डिसलाइक. आपको क्या सारी चीज़ें पसंद है? लाइक आई लाइक टू ईट पनीर, पनीर बिरयानी. आपको अपने बुक में फिल करना है कि आपको क्या क्या चीज़ें खाने में पसंद है. लाइक डोसा एंड व्हाट वी हैव टू डिसलाइक. आपको क्या चीज़ें नहीं पसंद है? लाइक कैलीफ्लावर एंड ऑल्सो लेडी फिंगर. लाइक लेडी फिंगर बहुत सारे लोगों को पसंद होगा, बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं पसंद होगा. तो आपको अपनी बुक में फिल करना है कि आपको क्या चीज़ें पसंद है खाने में और क्या चीज़ें नहीं पसंद है. आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स सिमिलर टू डैट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, योर फ्रेंड्स? क्या आपके जो लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, पसंद और नापसंद हैं, आपके सारे फैमिली मेम्बर से मिलता है, एक जैसा होता है? नो. आपकी फैमिली में बहुत सारी चीज़ों को, लोगों को जो आप खाते हैं उनको नहीं पसंद होगा, जो वो खाते हैं वो आपको नहीं पसंद होगा. तो सिमिलर नहीं हो सकता. योर फ्रेंड्स, क्या आपके दोस्तों को पसंद है कि जो आपको लाइक लगता है वो आपके दोस्तों को भी पसंद है? नो. यू कैन सी देयर आर थ्री फ्रेंड्स हु आर टॉकिंग अबाउट. सो लेट अस रीड एंड फाइंड आउट व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट. लेट अस टॉक टू सम पीपल एंड नो व्हाट दे लाइक टू ईट. चलिए कुछ लोगों से बातें करते हैं और पता करते हैं उनको खाने में क्या पसंद है. दिस इज लीचेन. आई लिव इन हांगकांग. माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक्स. सी लिव्स इन हांगकांग एंड सी एंड हर मदर लव टू ईट स्नैक्स. ये जो लीचेन है कहाँ रहती है? हांगकांग में रहती है. और उसकी मम्मी और लीचेन दोनों को स्नैक्स खाना, सांप खाना बहुत पसंद है. व्हेनेवर
we feel like eating snakes, we go to nearby hotel and eat Ling Hung Fen. जब कभी भी हम लोग को स्नैक्स खाने का मन करता है तो हम लोग पास की होटल में जाते हैं और जो स्नैक्स से जो डिश बनती है उसको क्या बोलते हैं, Ling Hung Fen, और वहाँ पे जाके हम Ling Hung Fen खाते हैं. सो हांगकांग कहाँ है, हांगकांग कहाँ है, इंडिया के राइट साइड में है. क्या है, हांगकांग है. और जो स्नैक्स की जो डिश होती है वो देखने में बहुत नॉर्मल लगती है, लेकिन वो किससे बनी होती है, स्नैक्स से बनी होती है. सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन वहाँ के लोग खाना बहुत पसंद करते हैं. सो दिस इज जूनी. आई लिव इन कश्मीर. आई लाइक फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल. वेयर डज शी लिव, शी लिव्स इन कश्मीर. जो जूनी है वो कहाँ रहती है, कश्मीर में. और उसको फिश किस में पसंद है, जो मछली बनती है उसको मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल में बना हुआ मछली बहुत पसंद है. वंस वी हैड गॉन टू गोवा, वी एट फिश देयर बट इट टेस्ट्स वेरी डिफरेंट. एक बार हम लोग गोवा गए थे और वहाँ पर मैंने जाके फिश खाई थी, लेकिन उसका जो टेस्ट था बहुत डिफरेंट था. माई मदर सेड डैट इट वॉज सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल. मम्मी ने बताया ये क्या है, समुद्र की मछली है जो किस में बनी है, कोकोनट ऑयल में बनी है. इट हैड टू बी डिफरेंट, इसलिए इसका जो टेस्ट है वो बहुत अलग है. जो कश्मीर में खाती है वो किससे बना था, मस्टर्ड ऑयल में बना था, इस वजह से उसका टेस्ट अलग है. और जो गोवा में खाई फिश वो कोकोनट ऑयल में बना था, इस वजह से दोनों का टेस्ट क्या है, डिफरेंट है. आई लिव इन केरला. दिस इज थॉमस एंड ही इज टेलिंग आई लिव इन केरला. आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स. मैं केरला में रहता हूँ और मुझे दो चीज़ें खाना बहुत पसंद है. बोथ ग्रो इन आर कोर्टयार्ड, जो आसानी से मेरे बरामदे आंगन में हो जाती हैं. वन ग्रोज ऑन अ टॉल ट्री एंड अदर अंडरग्राउंड. पहली जो है वो बड़े लंबे पेड़ पर होती है. लंबे पेड़ पे क्या होती है, वो क्या चीज़ है, कोकोनट. केरल में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कोकोनट. नारियल के पेड़ सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत पानी होता है, जगह जगह पानी होता है, इस वजह से वहाँ पे कोकोनट के ट्री बहुत आसानी से हो जाते हैं. और सबके घर में मोस्टली वहाँ के घर के लोग कोकोनट का पेड़ ज़रूर लगाते हैं. इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टैपियोका विथ एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट. वो कोई भी चीज़ कोकोनट में बनी हुई खाते हैं, कोकोनट के तेल में या फिर कोकोनट से बनी हुई चीज़ खाते हैं. तो थॉमस को क्या पसंद है, वो टैपियोका. टैपियोका कहाँ होता है, अंडरग्राउंड होता है, और उसको बॉयल करके कोकोनट से बनी हुई चीज़ के साथ वो खाता है. इट टेस्ट वेरी गुड, उसको वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है. सो यू कैन सी देयर आर थ्री फ्रेंड्स एंड हु आर टॉकिंग अबाउट देयर लाइक्स व्हाट दे ईट. व्हाट आर द रीजंस दैट डिसाइड व्हाट वी ईट, पुट अ टिक ऑन देम एंड एड टू द लिस्ट. वो क्या सारी रीज़न हैं जो डिसाइड करती हैं कि हम क्या खाते हैं, उस पर आपको टिक लगाना है एंड ऐड टू द लिस्ट. और लिस्ट में दो और चीज़ें आपको ऐड करनी है. तो फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ ईजिली अवेलेबल. जो चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती है हम वो खा लेते हैं. ओके करो. व्हाट वी कैन बाय, जो हम खरीद लेते हैं, खरीद सकते हैं उसको हम खाते हैं. कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, रीति रिवाज, जैसे कि जो चीज़ें शुरू से खाते आए हैं वो चीज़ें खाते हैं. तो अदर वन इज़ लाइक लाइक्स एंड डिसलाइक्स. लाइक एंड ऑल्सो डिसलाइक्स, जो चीज़ें हमें पसंद हैं और जो चीज़ें हमें नहीं पसंद हैं, ऐसी चीज़ें हम खाते हैं. एंड ऑल्सो रीजन्स. रीजन्स मीन्स एरिया, जो चीज़ें हमारे एरिया में उगाई जाती हैं ऐसी चीज़ें हम खाते हैं. नेम्स ऑफ सम थिंग्स आर गिवेन बिलो, पुट अ टिक ऑन द थिंग्स डैट कैन बी ईटन. इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनी थिंग्स यू कैन आस्क योर टीचर्स. आपको इसमें क्या करना है, कुछ नेम दिए गए हैं थिंग्स के, आपको उस पर टिक लगाना है कि क्या वो चीज़ें खाते हैं या फिर नहीं खाते हैं. बनाना फ्लावर्स, बनाना फ्लावर्स इज दिस कैन बी ईटन, इसको भी खाया जाता है. कहाँ खाया जाता है, केरला में खाया जाता है. बनाना के फूल की सब्जी बनाई जाती है. ड्रम स्टिक फ्लावर्स, ड्रम स्टिक फ्लावर्स मतलब सहजन के जो फूल होते हैं वो भी खाए जाते हैं. मशरूम,
इट इज़ ऑल्सो ईटन, और हम लोग घर पे भी बनाते हैं, होटल में भी जाके खाते हैं। लोटस स्टेम, इसको भी खाया जाता है। हेंस एग, दिस कैन बी ऑल्सो ईटन। लीव्स ऑफ अरवी, अरवी को भी हम कैसे बनाते हैं, बेसन में इसको डीप फ्राई किया जाता है। रेट, वी कैन नॉट ईट रेट। कैलीफ्लावर ऑल्सो, दिस कैन बी ऑल्सो ईटन। मीट, सीड्स ऑफ अनियन, कलौंजी, ये ब्लैक कलर का एक मसाला की तरह होता है, जिसको भी हम आलू को भुजिया जब बनाते हैं तो उसमें हम डाल के इसको बनाते हैं। फिश, क्रैब, केकड़ा, वी डू नॉट ईट क्रैब। रेड आंट्स, वी डू नॉट ईट रेड आंट्स। फ्रॉग, नो। ग्रास, नो। लेफ्ट ओवर चपाती, यस वी कैन ईट। आमला, आमला भी हम क्या है खाते हैं, बहुत ही पौष्टिक चीज़ होती है। कोकोनट ऑयल, यस। कैमल्स मिल्क, ऊँट का जो दूध होता है वो भी हम खाते हैं, पीते हैं। कैमल्स का मिल्क कहाँ होता है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा कैमल्स दिखाई देते हैं। चपाती मेड ऑफ बाजरा, यस चपाती मेड ऑफ ग्राम, चने की रोटी भी बनती है जगह जगह पे जिसको हम खाते हैं। राइट द नेम्स ऑफ फूड आइटम्स डैट यू हैव नेवर ईटन बिफोर बट फील लाइक ईटिंग। कुछ ऐसे नाम भी बताना है आपको जो आपको लगता है कि आपने कभी नहीं खाया लेकिन लगता है कि आप फील आती है कि हम खाते हैं ऐसा, लाइक जैक फ्रूट। अगर आप कोई और नाम बताते हैं नहीं समझ में आता है तो यू कैन आस्क मी। जैक फ्रूट एंड बनाना फ्लावर विच ग्रो इन बेसिकली इन केरला, बनाना फ्लावर्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। यू विल डू ऑल एक्सरसाइजेज विच इज गिवन इन योर बुक। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन यू विल आस्क मी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।